हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल फ्रॉम दिल्ली। तो आज से या फिर हाँ बोल सकते हो, ये सीरीज जो होने वाली है ट्रैवल सीरीज होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने कभी भी मेरे चैनल के वीडियोस नहीं देखे हैं, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस। आई मेक कंटेंट ऑन ट्रैवल, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स और ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाती हूँ। सो वॉट एवर इज़ माई लाइफ एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करती हूँ। अगर कुछ भी मैंने चीज़ ट्राई की है तो वो कैसी वर्क कर रही है मेरे लिए, दैट आई शेयर द एक्सपीरियंस ऑन दिस चैनल। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एट, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन विथ टुडेज व्लॉग। सो आज का व्लॉग, हम लोग कल एक्चुअली निकले थे दिल्ली आने के लिए। आपने देखा होगा कि हमने ट्रैवल किया मुंबई से दिल्ली तक, तो रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी फ्लाइट। और हम लोग की फ़्लाइट थोड़ी जल्दी थी, हम लोग को जो टाइम पे पहुंचना चाहिए था अराउंड 4 आवर्स, हम लोग बहुत लेट पहुंचे। तो एक्चुअली और घर से निकलने के टाइम भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो वी वर लाइक वरिड कि फ़्लाइट कैसे पकड़े होगा या नहीं होगा। तो हम लोग बहुत हड़बड़ी में थे, सो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग फ्यू क्लिप्स। और मैं तो आज से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने वाली हूँ। एक्चुअली दिल्ली हमारे लिए नया नहीं है, और हम लोग पहले आए हैं, मैं और निखिल पहले आए हैं, हम घूमे हैं पहले दिल्ली, सो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। बट अभी मैं जो घूमूंगी, मैं अकेली घूमने वाली हूँ, बिकॉज निखिल तो वर्क ट्रिप के लिए आया है, 2-3 दिन वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है वर्क में। अगर उसको टाइम मिले ऑब्वियसली वो भी मेरे साथ ज्वाइन होगा। बट आज जैसे मेरा day 1 है दिल्ली में, तो मैंने सोचा चलो हम लोग स्टार्ट ही शॉपिंग से करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक तो कनॉट प्लेस और सरोजिनी नगर मार्केट, मैं ये दो जगह में से एक जगह जाऊंगी, और या फिर अगर टाइम मिले तो दोनों जगह, बिकॉज निखिल आने से पहले मैं आ जाऊंगी ताकि हम लोग थोड़ा टाइम पास करें, हमको अगर घूमना है तो हम भी चले जाए घूमने, तो फिर देखते हैं कैसे होता है। नाउ जब मैं पहले आई थी दिल्ली, तभी हम लोग एक्चुअली ओला से घूमे थे, मतलब ओला एक जगह से दूसरी जगह, ओला उबेर जो भी मिल रहा था या फिर ऑटो, नॉर्मल ऑटो मिल रहा था उसको ही हमने बुक किया और हम लोग घूमे थे। बट टुडे व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू डू गो अलोन, सो आई थॉट कि क्यों ना मैं मेट्रो से जाऊँ। तो 2-3 दिन मैंने बहुत मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो कैसे जा, कौन सा मेट्रो स्टेशन है। इट्स वेरी ईजी इफ़ यू गेट यूज टू ऑन द गूगल्स, अपना google.com पे जाके आप कोई भी कहाँ भी दिल्ली में जाना है अगर आप देखोगे तो आप पूछोगे कि ओके विच मेट्रो स्टेशन इज़ नियर टू दिस प्लेस, तो आपको आराम से मिल जाएगा कि कौन सा मेट्रो स्टेशन है पास में है और आप अच्छे से घूम पाओगे। सो मैंने भी सोचा है कि मैं मेट्रो से जाऊंगी। मैं आपको अगर वहाँ पे कुछ है, सी आई एम गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो वट एवर एक्सपीरियंस इट इज़ आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल। तो देखते हैं अभी मैं यहाँ से, एक्चुअली हम जिस होटल पे रुके हैं वहाँ से कौन सा मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, फिर भी मैं होटल वालों से पूछूंगी और फिर आगे जाऊँगी। जितना हो सके आई विल बी पुटिंग अप ऑन दिस चैनल। अगर मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स शेयर भी करूँगी तो मैं उसका वॉइस ओवर भी दे दूँगी, ताकि आपको अगर अकेले आना है दिल्ली तो आप भी आ सकते हो विद फ्रेंड्स फैमिली और घूम सकते हो, एंड इट कैन बी रीजनेबल ऑल्सो इफ़ यू ट्रैवल थ्रू मेट्रो। और एक अलग मज़ा होता है यार, हम लोग कैसे मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। सो देखते हैं चलो क्या है और कैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं। सो स्टे ट्यून गाइज, आई विल बी रियली हैविंग फन अलोन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना, वो भी अकेले भी, हस्बैंड के साथ भी। बट अभी निखिल बिजी है, उनका भी मन यहीं पे है एक्चुअली, बट ठीक है हम लोग तो घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे, और आपको भी बताते हैं। सो लेट्स गो।
सो हियर वी हैव रीच टू द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ हम रह रहे थे, वहाँ से नेहरू एनक्लेव करके मेट्रो स्टेशन है जो बहुत नज़दीक था, बहुत मतलब हार्डली लाइक 4 मिनट्स 5 मिनट्स आई हैव वॉक्ड एंड आई हैव कम हियर टू दिस मेट्रो स्टेशन. वंस यू कम टू द मेट्रो स्टेशन आपको टिकट निकालना है. आप अगर हमेशा मतलब बहुत टाइम मेट्रो से ट्रैवल करने वाले हो तो आप पास भी ले सकते हो, दैट मीन्स कार्ड मिलता है जो रिचार्ज करके आपको हर टाइम जस्ट यू हैव टू जस्ट स्कैन इट एंड गो, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग टिकट अगेन एंड अगेन. सो मैंने टिकट लिया और आप देख सकते हो मैं नेहरू प्लेस पे हो और मुझे जाना है सरोजिनी नगर. सो ब्लू लाइन से मैं लाजपत नगर जाऊंगी, वहाँ से मैं सरोजिनी नगर जाऊंगी. तो ये जो मैप है मुझे लगता है ये उनका पुराना मैप था. आप मैप जो है वहाँ पे देख सकते हो कि नए भी मैप होंगे. तो मैंने जब भी टिकट लिया मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 2 बार ट्रेन चेंज करना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी, आई टुक द टिकट एंड आई स्कैंड इट एंड हियर आई एम एट द मेट्रो स्टेशन ऑफ दिल्ली. So from the first station that is Nehru Enclave, I boarded the train and you can see मुझे बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह मिल गई थी because it was not peak hours. So now this is everywhere you can see कि आपको ना map लगाए हुए दिखेंगे. So you just have to go through the map कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो. मैंने सबसे पहली train वहाँ से botanical garden के लिए पकड़ी थी और फिर मैं पहुँच गई कालकाजी मंदिर station पे. नाउ यू कैन सी यह ब्लू कलर का जो आपको बोर्ड दिख रहा है कि एक लाइन से दूसरे लाइन को आप कैसे चेंज कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू गो टू द वॉयलेट लाइन. सो मैं वहाँ से यहाँ पे आके मैं दिस गर्ल आई वॉज आस्किंग कि कैसे जाना है. सो शी वॉज ऑल्सो गोइंग टू द सेम पाथ. सो शी सेड कि आप मेरे पीछे आ सकते हो एंड शी वॉज रियली हेल्पफुल. नाउ वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग अलोन यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल योर थिंग्स आर वेरी प्रॉपरली केप्ट और आपको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वेन यू आर इन द डिफरेंट सिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेर यू स्टे, बट येस वेन यू आर इन डिफरेंट सिटी सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल. अब आप देख सकते हो कि मैं पहुँच गई हूँ टूवर्ड्स द वॉयलेट लाइन. नाउ इसके लिए चलना बहुत ज़्यादा पड़ा था, लाइक मैं बोलूँगी 5 to 6 minutes में चली थी. आई एम एट कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन. वहाँ से हम अभी लाजपत नगर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे. मतलब आपको पता चला पहले नेहरू एनक्लेव से मैं कालकाजी मंदिर आई, कालकाजी मंदिर से मैंने ट्रेन पकड़ के अभी जाऊँगी लाजपत नगर और लाजपत नगर से मैं जाऊँगी सरोजिनी नगर. नाउ दिस वॉज ऑल चेंजिंग द ट्रेन्स बिकॉज ऑफ द लाइन्स. मतलब अलग अलग लाइन्स है कलर्स के, लोग यहाँ पे बातें भी वही वे से करते हैं कि अरे अच्छा आपको ग्रीन लाइन जाना है, ब्लू लाइन जाना है, ये लाइन जाना है, वो लाइन जाना है. नाउ इस बीच में मैं जब ये शूट कर रही थी मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया था, बट क्या हो गया, देर वॉज सम ग्लिच बिटवीन द ब्लूटूथ ऑफ माइन और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. सो वॉट एवर इज़ रिकॉर्डेड मैं अभी वॉइस ओवर, वॉट एवर आई हैव रिकॉर्डेड उसको मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ. एंड नाउ आई हैव टेकन ट्रेन टू लाजपत नगर. यहाँ पे मुझे थोड़ी रश मिली थी तो आई वॉज स्टैंडिंग डाउन इन ट्रेन. ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैप है ट्रेन
से आपको स्टेशन पे आपको देखेंगे कि हर जगह पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा. यू जस्ट हैव टू बी रियली विजिलेंट एंड अलर्ट. या मैं पहुंच गई हूँ लाजपत नगर स्टेशन. नाउ लाजपत नगर स्टेशन से मैं जाऊंगी आगे, दैट विल बी सरोजिनी नगर. ही हम लोग का शूट नहीं हुआ तो अभी देखते हैं, मैं वॉइस ओवर डालूंगी उसके लिए कि कहाँ से कहाँ आई फिर कहाँ से कहाँ आई. तो अभी मैंने निकाल दिया स्पीकर एंड मैंने चेक किया ऑडियो, तो मैंने देखा कि पिंक लाइन के लिए जाने का रास्ता क्या है. व्होएवर यू आस्क हियर वो लोग यही लैंग्वेज में बोलते हैं, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन, ब्लू लाइन, वट एवर इट इज़. तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जाते हैं. एंड दिस इज़ द लास्ट चेंज, मतलब हम लोग ये ट्रेन के बाद पहुँच जाएंगे सरोजिनी नगर. क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो हियर इज़ द मेट्रो स्टेशन मजली स्पार्क. अगेन आई एम टू द लेडीज कोच. लेट्स गो टू सरोजिनी नगर नाउ. सरोजिनी नगर. तो चलो अभी मार्केट जाते हैं. मैं बताती हूँ आपको कि कैसे जाना है वहाँ से. पहले पूछ लूँ सबसे फिर बताती हूँ.